नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इंडियन प्रीमियर लीग के मौजूदा सत्र में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स रविवार को जब आमने सामने होगी तो इस बड़ी जंग में कई महारथियों के आपसी मुकाबलों पर नजरें रहेंगी। दोनों टीमों की बैटिंग टॉप ऑर्डर जबरदस्त है और मिडिल ऑर्डर तो बेहद मजबूत है। इसके साथ ही दोनों के पास बेहतरीन बॉलिंग अटैक भी है। अगर किसी मामले में एक टीम का पलड़ा भारी है तो वो तेज गेंदबाजों के अनुभव के मामले में मुंबई इंडियंस का। जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट के पास सालों का अनुभव है और वो निर्णायक साबित हो सकते हैं, लेकिन कंगिसो रबाडा और एनरिक नोकिया को भी कमजोर नहीं आंका जा सकता। आपको बता दें, दिल्ली के लिए शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ने अच्छी शुरुआत दी है। कई मैचों में अच्छी शुरुआत के बावजूद शिखर धवन बड़ी पारी नहीं खेल सके हैं। इस बड़े मुकाबले पर उनसे उम्मीदें होंगी। दिल्ली के लिए अच्छी बात शिमरन हटमायर का फॉर्म में लौटना रहा है, जिन्होंने रॉयल्स के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था। कप्तान श्रेयस अय्यर खुद जबरदस्त फॉर्म में है। अब देखना होगा रोहित शर्मा एंड कंपनी के सामने वो कैसे कप्तानी करते हैं। आइए नजर डालते हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है। मुंबई इंडियंस की संभावित प्लेइंग 11: रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, किरण पोलार्ड, जेम्स पैटिनसन, राहुल चहर, ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह। दिल्ली कैपिटल्स की संभावित प्लेइंग 11: शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, शिमरन हटमायर, मार्कस टोनिस, आर अश्विन, अक्षर पटेल, एनरिक नोकिया, हर्षल पटेल और कंगिसो रबाडा। आपको क्या लगता है इस प्लेइंग 11 के बारे में? अपनी राय हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।